ये यहाँ की सबसे आलसी फिश देखो उठ ही नहीं रही है, आंखें खुली हुई है लेकिन उठेगी नहीं। ये मैं हूँ। अभी आ गई, ये देखो अम्मा, ये देखो, ये देखो। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक अगेन टू हम तो मिन इंग्लैंड। मैं हूं गौरव। मैं हूं अवि। तो ये आई थिंक हमने बोला ही नहीं है इतने टाइम से। इतने टाइम से नहीं बोला। कमेंट करके बता देना जिस लोगों ने ये मिस किया है कि मैं हूं अवि। और अभी हम लोग, आज मम्मी का बर्थडे है और आज फर्स्ट जैन भी है, तो फर्स्ट जैन को आता है न्यू ईयर भी है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी न्यू ईयर हमारी तरफ से। होपफुली आपका जो ये 2024 है बहुत अच्छा जाएगा और जो आप विश मांगोगे होपफुली आपकी पूरी होगी और होपफुली हमारी भी पूरी हो। तो आज मम्मी का बर्थडे है तो आज हमने सोचा चलो आज बर्मिंघम चलते हैं घूमने, और हमने सी लाइफ की टिकट बुक करी थी और सी लाइफ घूमने आए हैं अब हम यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात ये कि हमने भी नहीं घूमा हुआ है, हमारे लिए भी कुछ चीज नहीं है। हाँ। वरना कोई भी आता है, हम किसी को कहीं भी लेके जाते ना, ऐसे होते हैं आज हम यहाँ गए हुए हैं, हम यहाँ गए हुए हैं। बट ये एक ऐसी चीज थी, हमने लंदन वाला कवर किया हुआ है, बर्मिंघम वाला नहीं किया था। सो आई एम जस्ट रियली एक्साइटेड। यस, तो आज सी लाइफ घूमेंगे, आपको घुमाएंगे और साथ में ब्रिंडली प्लेस वगैरह घूमते हैं, आसपास कहीं पर लंच करते हैं बढ़िया सा, और आपको भी घुमाते हैं जगह, बहुत ही प्यारी जगह है। मम्मी को सी लाइफ लेके आए हैं यहाँ पर। काफी अच्छा बना रखा है यहाँ पर, मम्मी का बर्थडे सी लाइफ में सेलिब्रेट हो रहा है। अच्छा है ना। हाँ, भाई यहाँ पर देखो कितनी सारी है उस तरीके। भाई इसका हॉर्न निकला हुआ है आगे देखो। सर से मार दिए, बड़ी बड़ी भी है इसमें बहुत ज्यादा। यहाँ पे ना टच भी कर सकते हैं। क्या है वो? Oh, shit! Oh, shit! बेटा खा जाएगा कुछ भी, ऐसा लग रहा है पत्थर है। है क्या? Starfish. Okay. मम्मी ने अभी यहाँ पे स्टारफिश को टच किया है। मम्मा हाथ धो लो अब। अब इससे ना पराठे बना दो बढ़िया बढ़िया। हाय भाई, ये इतने सुंदर सुंदर है, बिल्कुल येलो येलो। और जो ये फिन्स खोलती है ना, इतने सही लग रहे हैं। अभी आ गई, ये देखो अम्मा, ये देखो, ये देखो। स्माइल कर रही है। यहाँ एक बहुत ही बड़ा पूल है, उसके अंदर भाई बहुत सारी यहाँ पे मछलियां है। मम्मी कैसे बच्चों की तरह देख रही है, मिली गई। यहाँ पे ना सी हॉर्स है, वो ये रहा सी हॉर्स। सी हॉर्स सबसे अच्छी बात है। ठीक है अम्मा, देखो अम्मा दुनिया में क्या क्या चीजें हैं, भगवान ने क्या क्या बनाया है। अभी हम लोग नीचे पूरा घूम चुके हैं, ऊपर आए हैं, अब तो काफी भीड़ हो गई है। बर्मिंघम सी लाइफ में हमें ये वाली जगह बहुत ही अच्छी लगी क्योंकि ये नीचे पूरा ग्लास था, आप ग्लास के ऊपर वॉक करते हो
और आसपास आपके पूरा ग्लास है राउंड, और उसके अराउंड आपको सारी बिग सी क्रिएचर्स वगैरह दिख जाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो यहाँ पे शार्क भी है, बट बहुत बड़ी वाली शार्क नहीं है, छोटी मोटी शार्क आपको दिख जाएगी, और उसी के साथ यहाँ पे और भी बड़े सी क्रिएचर्स हैं। बेबी यार ये वाला टर्टल लेके चलते हैं घर, इतना बड़ा। और ना अभी मैंने एक वीडियो ली जिसमें वो बिल्कुल सामने से आ रहा था। ये यहाँ की सबसे आलसी फिश देखो, उठ ही नहीं रही है, आंखें खुली हुई हैं लेकिन उठेगी नहीं। ये मैं हूँ। मैं से नहीं उठा जाता। ये आंखें खुली होती है लेकिन उठती नहीं है, सुबह छुप के सो रही है वो, देखो भाई अंदर ही है। एक वो भी पड़ी हुई है, वो पड़ी इतनी बड़ी, ये सारी आलसी वाली रखी हुई है यहाँ पे इन्होंने। अच्छा यहाँ पे ना हर जगह पे ये शॉप जरूर होती है, पूरे म्यूजियम घूमने के बाद फिर आप यहाँ से शॉपिंग वॉपिंग कर सकते हो। ये ले लो, शॉपिंग करो। ये तो मेरे जैसी है। शार खा जाएगी इसको। यहाँ से एग्जिट करके हम लोग सीधा निकले यहाँ पे ब्रिंडली प्लेस में। मम्मा कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, मन लग गया मेरा यहीं पर। वॉक करने की बहुत अच्छी जगह है, अभी आगे चलेंगे ना वॉक करने। और यहाँ की टिकट कितने की थी वे भी बता दो एक बार। यहाँ की टिकट वैसे आती है 24 pounds की पर पर्सन, बट हमने एक वेबसाइट ढूंढ के निकाली है विच इज कॉल्ड merlinfun.com, वहाँ पे आप बिना किसी कोड के बाय वन गेट वन फ्री टिकट ले सकते हो, तो हमने दो टिकट 24 pounds में लिया है। हाँ तो मतलब दो टिकट 24 pounds की है। हाँ। तो बाय वन गेट वन हो गया। और आज क्योंकि फर्स्ट जैन है तो पिछली बार सारे दूर दूर के इतने सारे ट्रिप बनाए थे, तो मुझे लगता है बर्मिंघम तो नहीं आए लास्ट में, नहीं आए इस जगह, नहीं आए। अभी हम यहाँ पे आए हैं सिम्फनी हॉल, जो ये बर्मिंघम है जहाँ पे आदि की ग्रेजुएशन सेरेमनी हुई थी, तो वो दिखा रहे हैं। आपकी भी हुई थी? इट्स अ लॉन्ग टाइम बैक, इट्स बीन अ लॉन्ग। आइस स्केटिंग था बट वो रहा, वो आइस स्केटिंग रिंग अभी भी है, मुझे लगा इन्होंने बंद कर दिया होगा। हम 2-3 साल पहले आए थे, जब मेरी कजन आई थी तो आइस रिंग आए थे, ये वाली बहुत एंजॉय किया था, पहला एक्सपीरियंस था, बड़ा मजा आया था। और यहाँ ना ये झूले से लगते हैं बहुत ही सही, इस वाले पे हम बैठे हुए हैं एक बार, ऊपर तक गए थे, नहीं नहीं उस पे बैठे थे। ये है बर्मिंघम का आइस स्केटिंग रिंग। मंगवाई है यहाँ पे पाव भाजी, और यहाँ की ना हाउस चाट बहुत अच्छी है, तो मैं पूरा इंडिया वाला टेस्ट है। ये स्वीट पटेटो आदि ने मंगवाया है, क्या पाव भाजी और भेल। यार भेल तो अच्छी लग रही है, पूरा इंडिया से अनारदाना। हाँ अच्छी है, हमने बाई चांस एक बार मंगवा ली थी और बहुत अमेजिंग है। अगर आप भिशम जा रहे हो तो हाउस चाट जरूर ट्राई करना, आई थिंक बहुत ही अंडररेटेड सी डिश है, किसी को ज्यादा पता नहीं होगा। नहीं पता होगा, पता नहीं, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता था। हलवा छोले पूरी इतना अमेजिंग लग रहा है, साथ में अचार भी है। अभी ने मंगवाया यहाँ पे चना सैलेड अपना, और मैंने अपना पनीर रोल, मैंगो लस्सी। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर मम्मा, हैप्पी बर्थडे टू यू।
खाना वाना खा के हम लोग गुरुद्वारे आ गए हैं आज, क्योंकि आज न्यू ईयर भी है। फर्स्ट डे तो आना चाहिए गुरुद्वारे। चलो आओ। फाइनली घर आ गए हैं और काफी अच्छा दिन रहा, सी लाइफ वगैरह घूम लिए और गुरुद्वारे भी हुआ है और आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा। तो होपफुली आपको मजा आया होगा आज की वीडियो देख के और मम्मी का बर्थडे भी बहुत अच्छा सेलिब्रेट हुआ। और फर्स्ट जैन है तो सबको हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन फ्रॉम हम टू मिन इंग्लैंड फैमिली। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करना, कॉमेंट करके बताना कैसी लगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जाना गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय।